जैसा कि हम सबको पता है कि तेजस्वी अपनी इतनी सी बड़ी कार में पहुंच गई अवार्ड फंक्शन में, जो कि था मामा अर्थ फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस फेसेस 2022 अवार्ड्स, जिसके तहत आप लोगों को बता दूं तो तेजस्वी की फैदर में की कैप में एक और फैदर एड ऑन हुआ है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तेजस्वी प्रकाश की अगर बात करें दोस्तों, तो आपको बताना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रकाश को मिल गया है इस बड़े अवार्ड फंक्शन में एक बहुत बड़ा अवार्ड, एक ऐसा अवार्ड जिसके बारे में जिक्र करना तो बनता है बॉस। तेजस्वी प्रकाश की जहाँ तक अगर बात करें दोस्तों, तो तेजस्वी प्रकाश जो है वो ब्लैक ड्रेस में और बाल उनके फ्लैट थे, शी वॉज लुकिंग डैम गॉर्जियस। और तेजस्वी प्रकाश सचमुच में इस अवार्ड्स में कहर बरपा रही थी। तेजस्वी प्रकाश को अगर बता दूँ तो रिसेंटली उन्हें जो है ग्राजिया की तरफ से भी अवार्ड मिलता है और अब फेमिना भी उन्हें अवार्ड देता है। अब धीरे धीरे आप देखिए तेजस्वी कैसे छाती है। वहीं आज एक बड़ी खबर, कल एक बड़ी खबर रिलीज़ हुई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि रोहित शेट्टी अपनी गोलमाल 6 में भी तेजस्वी को लेने के लिए आतुर हो रहे हैं। भाई हर कोई तेजस्वी प्रकाश के साथ काम करना चाहता है, हर कोई तेजस्वी का दीवाना हो चुका है। और ऐसे में जब तेजस्वी प्रकाश यहाँ इतना बन ठन के सज धज के आई हैं, तो भाई अवार्ड पाना तो बहुत बड़ी बात है। सो यस गाइस, कमेंट सेक्शन में जाएं और इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या है कहना। और क्या, बने रहो चैनल के साथ, इसी तरीके की अपडेट्स आपको बताता रहता हूँ। बाय द वे आपको बता दूं तो करण कुंद्रा इन अवार्ड में शामिल नहीं हुए थे, ये फेमिना था, विच मीन्स तेजस्वी का जलवा था। तो यस, कमेंट सेक्शन में जाके अपना रिएक्शन ज़रूर बताएं। बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, कर लो फटाफट।